प्योरे फॉर्म में बनाना है। ठीक है, नमस्कार, वेलकम। मैं हूं आज आपका दोस्त शेफ रोहित सिंह बिस्ट, और आज मैं एक अपने स्टूडेंट्स के साथ एक न्यू रेसिपी लेके आपके साथ आया हूं, दैट इज सूप विंची स्वाज। बेसिकली विंची स्वाज इज सूप ऑफ ए लीक एंड पोटैटो। सो मेरे पास यहाँ पे लीक है और पोटैटो है, तो हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। थिक सूप, इसको हम लोग बोलते हैं सूप विंची स्वाज। तो सबसे पहले हम लोग को लीक को कट कर लेना है। हमने रफली चॉप कर लेना है इसको वेजिटेबल्स को, जो हमारे लीक्स हैं, इसको इस तरह से हम लोगों ने रफली चॉप कर लेना है। देन उसके बाद हम लोगों ने लेने हैं पोटैटो। मेरे पास यहाँ पे पील्ड पोटैटो है, इसको भी हम रफली चॉप कर लेंगे, निकाल लेंगे। हमारे चॉप हो गए, आप हम लोग गैस ऑन करेंगे और सबसे पहले इसमें डालेंगे बटर। लवण ले दो मेरे को। मेल्ट होने के बाद हम लोग इसमें ऐड कर देंगे क्या, अनियन। हमें क्या है, इसका कलर देके नहीं आ रही है, लिटिल बिट हमें इसे सौते करना है। उसके बाद इसमें हम लोग ऐड कर देंगे अनदर लीक। हमने लीक ऐड कर दिया है, अब इसको भी हम लोग यहाँ पे सौते कर लेंगे। अभी जैसे हमारे ये सफाई हो गए, अब इसमें हम लोग पोटैटोज को ऐड कर देंगे। लिटिल बिट ऑफ बटर अगेन हम इसमें ऐड कर देंगे। एंड सम सॉल्ट और ब्लैक पेपर। Little bit of nutmeg. So now आप देख सकते हैं सूप एकदम हमारे पोटैटो बिल्कुल ईजिली गल चुके हैं। अब ना इसको हम अब ब्लेंड बनाएंगे, प्योरी फॉर्म में लेके आएंगे। देख सकते हैं आप पोटैटो कितने सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसको हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसको प्योरी बनाओ। ठीक है, चलो अब हम सो नाउ यू कैन सी हमारा सूप एकदम क्रीमी फॉर्म में रेडी हो गया है, फ्रेश क्रीम। ठीक है, हमारा रेडी हो गया है, इट्स टाइम टू प्लेटिंग। तो इसको हम लोग प्लेट करेंगे नीटली एंड क्लीनली एंड
गार्निश करेंगे फ्रेश पार्सलिप से। फ्रेश पार्सलिप से लेकर आओ, थोड़ा पार्सलिप में ऐड करेंगे बस बस। सो दिस इज योर सूप, सूप सूप ऑफ प्रिंसेस स्वाज। प्रिंसेस स्वाज